नमस्कार साथियों। तो हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे मध्य प्रदेश के उद्योग और व्यापारों के बारे में। अब इस लेक्चर में बात करते हैं मध्य प्रदेश में ऊर्जा से संबंधित तथ्यों के बारे में। राज्य का पहला ताप विद्युत केंद्र नेपा नगर का चांदनी 1953 में, याद रखिए, राज्य का पहला ताप विद्युत केंद्र नेपा नगर का चांदनी कब बना? 1953 में। पहला जल विद्युत केंद्र चंबल पर अवस्थित गांधी सागर विद्युत केंद्र 1960-61 में बना। राज्य के नगरों का 70% और गांवों का 97.1% विद्युतीकरण हो चुका है। राज्य में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन ग्वालियर में सन 1905 में 240 किलोवाट केवी के स्टीम टरबाइन से किया गया था। तो याद रखिए, राज्य में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कहाँ हुआ? ग्वालियर में सन 1905 में। 10 दिसंबर 1948 को विद्युत प्रदायकम अधिनियम प्रदेश में लागू किया गया। 1 दिसंबर 1950 को विद्युत मंडल 1 दिसंबर 1950 विद्युत मंडल का गठन किया गया था। विद्युत मंडल का गठन कब किया गया? 1 दिसंबर 1950। इसका विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में। ठीक है। राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1960 में की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में। ठीक है। एक दिसंबर इसका जबलपुर में है विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में। राज्य ग्रामीण विद्युत निगम की स्थापना 1960 में हुई। इसका मुख्यालय भोपाल में। ठीक है। प्रदेश में ऊर्जा स्रोतों के विकास के उद्देश्य से 1982 में मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास नियम निगम मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई। विद्युत क्षेत्र में प्रभावी प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के वृहद स्वरूप का पुनर्गठन किया गया। उत्पादन पारेषण एवं वितरण हेतु कंपनी अधिनियम 1956 के तहत मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का पुनर्गठन कर 5 कंपनियों का गठन जुलाई 2002 में किया गया। एक 5 कंपनी है। कंपनी अपने अपने क्षेत्र में प्रबंधन के लिए स्वतंत्र रहते हुए भी मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के प्रति उत्तरदायी थी। 5 कंपनियां कौन कौन सी हैं? ये 5 कंपनियां हैं। मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर क्षेत्र, इंदौर उज्जैन संभाग। फिर दूसरी है मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल क्षेत्र, भोपाल ग्वालियर चंबल संभाग होशंगाबाद संभाग। फिर तीसरी मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर क्षेत्र, जबलपुर रीवा सागर शहडोल संभाग। फिर चौथी है मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर, इसका क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश। फिर पांचवी है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर, इसका क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश है। पांचों कंपनियां 1 जून 2005 से पूर्णतः स्वशासी हो गई। पांचों कंपनियों का आरंभिक बैलेंस शीट को अंतिम रूप देकर उन्हें अधिसूचित कर दिया गया। विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत विद्युत व्यापार के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पावर ट्रेडिंग कंपनी का गठन कर उसे माह जून 2006 में क्रियाशील किया गया। विद्युत मंडल विद्युत कंपनियों तथा उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण विद्युत क्षेत्र में राज्य का सरकार का कार्य नीति निर्धारण तक सीमित करने तथा विद्युत दरों के निर्धारण एवं नीति नियमित कार्यों के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 1998 में स्थापना की गई। नियामक आयोग द्वारा अभी तक 7 टैरिफ आदेश जारी किए गए। अब बात करते हैं आगे। प्रदेश में 3 ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैं। प्रशासनिक अकादमी भोपाल, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान है महू में,
सर्वाधिक विद्युत ग्राम वाले जिले हैं सीहोर, इंदौर, खंडवा। अब बात करते हैं आगे प्रमुख आंकड़ों की। प्रमुख आंकड़े देखते हैं। स्थापित क्षमता जनवरी 2013 में 10,236 मेगावाट। विद्युत उत्पादन 2009 में 9,658.45 मिलियन किलोवाट घंटे। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 349 किलोवाट घंटा। विद्युत ग्राम 56,474 यानी कि 97% से अधिक। विद्युत आदिवासी ग्रामों की संख्या 16,2 हज़ार यानी कि 91.42%। 2013 में निम्न परियोजनाएं क्रियाशील हुई, कौन कौन सी? श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना 1200 मेगावाट की थी। सतपुड़ा ताल विद्युत परियोजना सरणी ये 500 मेगावाट की थी। एसआर सिंगरौली 1200 मेगावाट की थी निजी क्षेत्र की। जेपी नेगरी सिंगरौली 1320 मेगावाट की। जेपी बीना 2×250 मेगावाट की थी। बीएलए नरसिंहपुर 45 मेगावाट की थी। मोजर वेयर अनूपपुर 1200 मेगावाट की थी। दादा धुनी वाले खंडवा पावर लिमिटेड 1600 मेगावाट की थी। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को बिजली बेचने की स्थिति में है। आगे बात करते हैं, गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन की बात करें तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को उपयोग करने में मध्य प्रदेश तीसरा राज्य है। गुजरात पहले पे, आंध्र प्रदेश है, फिर है मध्य प्रदेश। सौर ऊर्जा के बारे में बात करें, सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट झाबुआ बैतूल होशंगाबाद में है। सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने का कारखाना प्रदेश में सर्वप्रथम इंदौर में स्थापित किया गया था। सौर ऊर्जा का अधिक प्रयोग प्रदेश में झाबुआ के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। मध्य प्रदेश सोलर कुकर के उपयोग के मामले में प्रथम स्थान पर है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र इटारसी होशंगाबाद में लगाया गया। कस्तूरबा ग्राम इंदौर पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर गांव है। याद रखें कस्तूरबा गांव सौर ऊर्जा आधारित शीतगृह भोपाल में लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं सौर ऊर्जा जैव ऊर्जा के बारे में। जैव ऊर्जा बायोगैस, प्रदेश में राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के माध्यम से 2010 तक 19,540 से अधिक संयंत्रों का निर्माण। राज्य में बायोगैस से विद्युत उत्पादन 13.50 मेगावाट थी। बायोमास राज्य में 25.43 मेगावाट की परियोजनाओं स्थापित है। भूसी आधारित संयंत्र की बात करें, धार जिले के जादूखेड़ा में 0.59 मेगावाट क्षमता का भूसी आधारित विद्युत संयंत्र। इंदौर बालाघाट में भूसी आधारित बायोगैस है। कहाँ का भूसी आधारित संयंत्र कहाँ है? धार जिले के जादूखोड़ा में और इंदौर और बालाघाट में। नेप्था आधारित गैसीय विद्युत संयंत्र यह ग्वालियर में निजी क्षेत्र सहयोग से स्थापित है। रह अवशिष्ट कचरे से विद्युत उत्पादन एक कटवा गांव खरगोन में। बायोगैस से बिजली उत्पन्न करने वाला देश का पहला गांव है कराई, बैतूल जिले में। प्रदेश में कचरे से विद्युत उत्पादन करने वाला एकमात्र संयंत्र भोपाल में। ग्वालियर एवं मुरैना में गन्ने की खोई से विद्युत उत्पादन किया जाता है। राज्य में जठोफा में से बायोफ्यूल बनाने का 10 किलोवाट का संयंत्र बॉस गढ़ी मंडला जिले में है। फिर बात करते हैं पवन ऊर्जा के बारे में। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना पवन ऊर्जा के लिए आदर्शतात्मक है। 2010 तक 169 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर देवास के निकट प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना जामा गोदरागी में निजी क्षेत्र के साथ बैतूल और शाजापुर में पवन ऊर्जा लगी।
जम गोदरानी के पवन ऊर्जा संयंत्र में तीन भागीदार हैं, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास लिमिटेड, इंडियन ट्रिब्यूनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी दिल्ली, कंसालिडेटेड एनर्जी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। इन तीनों की संयुक्त कंपनी का नाम है मध्य प्रदेश विंड फार्म्स लिमिटेड। प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियां इंदौर में हैं। गुना एवं मंदसौर जिले में विंड मॉनिटरिंग कार्यक्रम से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। देश की पहली संयुक्त क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? मध्य प्रदेश विंड फार्म। आगे बात करते हैं हम लोग राज्य क्या देखते हैं, राज्य के एकल या संयुक्त जल विद्युत गृह, तो बात करते हैं चंबल के बारे में। गांधी सागर इंदौर चंबल नदी पर बने हैं, गांधी सागर मंदसौर में 150 मेगावाट, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में 172 मेगावाट, जवाहर सागर कोट 99 मेगावाट। याद रखिए चंबल पे हैं गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, कुल 386 मेगावाट में मध्य प्रदेश का हिस्सा 193 मेगावाट है। पैंच छिंदवाड़ा में है 107 मेगावाट है, यहाँ रानी अवंतीबाई वर्गी जबलपुर में 90 मेगावाट की, वाण सागर टॉन्स फर्स्ट सीधी में 315 मेगावाट, वाण सागर सेकेंड सीधी में मेगावाट सीधी में 30 मेगावाट की है, वाण सागर थ्री सीधी में 60 मेगावाट की है, वाण सागर फोर शहडोल में 20 मेगावाट की है, वीर सिंहपुर उमरिया में 20 मेगावाट, राजघाट ललितपुर में 22.5 मेगावाट, मणिखेड़ा खरगोन 40 मेगावाट। अन्य लघु जल हैं 5.4 मेगावाट। कुल जल विद्युत 922.95 मेगावाट। कुल विद्युत है 3780 मेगावाट। आगे बात करते हैं प्रमुख तथ्यों के बारे में, बात करते हैं 400 मेगावाट का शासन ऊर्जा प्रोजेक्ट सीधी में प्रस्तावित है। बीना में भेल द्वारा भारत का प्रथम हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया। महेश्वरी जल विद्युत और पैंच दाब ताप विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र की को सौंपी गई है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर रामपुर इंदौर नीमच जिले में गैस और डीजल से संचालित विद्युत केंद्रों की स्थापना हो रही है। विंध्याचल बेडन सिंगरौली राज्य का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, यह NTPC द्वारा संचालित है। बेडन सिंगरौली को प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। याद रखिए बेडन सिंगरौली को प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। चांदनी ताप विद्युत केंद्र नेपानगर में, नेपानगर से कागज मिल नेपानगर के अलावा निवाड़ क्षेत्र को बिजली आपूर्ति की जाती है। हाइड्रल जल पंप पानी संचालित पंप है जो बिना विद्युत के पास के दबाव से सिंचाई करते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 30 हाइड्रल पंप भोपाल और निवाड़ क्षेत्र में कार्य करते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक ऊर्जा खपत का प्रतिशत है उद्योग कृषि एवं घरेलू कार्यों में। प्रदेश में हाइड्रल जल पंप सबसे अधिक खरगोन जिले में उपयोग किए जाते हैं। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश में एकांश विद्युत अनुसंधान केंद्र भोपाल में है। मालवा ताप परियोजना मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा खंडवा जिले के ग्राम दोगलिया में स्थापित की जा रही। मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की स्थापना 1945 में की गई। NTPC द्वारा छतरपुर जिले में 4000 मेगावाट का पावर हाउस लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के चुटका गांव में प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। आगे बात करते हैं ताप विद्युत केंद्रों की बात कर लेते हैं। ताप विद्युत केंद्र एक केंद्र हो गए, स्थापना हो गई इनकी, और क्षमता कितनी है मेगावाट में, लाभान्वित राज्य या इकाई, ठीक है।
तो सबसे पहले बात करते हैं चांदनी बुरहानपुर में, तावा का कोयला है और ताप्ती का पानी है। तो इसकी स्थापना हुई 1953 में, 17 मेगावाट क्षमता है इसकी। नेपानगर कागज मिल इसे लाभान्वित होता है। अमरकंटक, अनूपपुर, सोहागपुर का कोयला और सोन नदी का पानी, इससे 300 मेगावाट क्षमता है इसकी। मध्य प्रदेश राज्य से लाभान्वित होता है। फिर है सतपोड़ा, सारणी, बैतूल, पाथरखेड़ा। पाथरखेड़ा खेड़का का कोयला है और तावा नदी का पानी है। 1967 में इसकी स्थापना हुई। 1437 मेगावाट यहाँ इसकी क्षमता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान 3:2 में लाभान्वित होता है। फिर है विंध्याचल, बेडन, सिंगरौली। सिंगरौली का कोयला और रेहंद नदी का पानी, इससे 226 क्षमता है इसकी मेगावाट। 5 राज्य तथा दमन द्वीप इससे लाभान्वित होते। अगला है जबलपुर ताप केंद्र। जबलपुर, जबलपुर का कोयला और नर्मदा नदी से पानी मिलता है। 151 मेगावाट क्षमता है इसकी। मध्य प्रदेश राज्य इससे लाभान्वित होता है। फिर है संजय गांधी उमरिया, तो जोहिला क्षेत्र का कोयला और जाहिला का पानी, 588 मेगावाट क्षमता है इसकी। मध्य प्रदेश राज्य से लाभान्वित होता है। आगे बात करते हैं, संजय गांधी हो गया था। पेंच, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा का कोयला, पेंच का पानी है, 210 इसकी क्षमता है मेगावाट। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लाभान्वित होते हैं। दादा धूनी वाले खंडवा में, 2000 मेगावाट है इसकी क्षमता। मध्य प्रदेश, गुजरात इससे लाभान्वित होते हैं। मांडू ताप परियोजना धार में, मध्य प्रदेश, गुजरात इससे लाभान्वित होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग राज्य के ताप ग्रहों की क्षमता। तो अमरकंटक एक, अनूपपुर 50 मेगावाट है इसकी क्षमता। दूसरा है अमरकंटक दो, अनूपपुर 240 मेगावाट की है इसकी क्षमता। सतपोड़ा एक, पाथाखेड़ा, बैतूल 187 मेगावाट की क्षमता है इसकी। सतपोड़ा सेकंड, पाथाखेड़ा, बैतूल 410 मेगावाट है इसकी क्षमता। सतपोड़ा तीन, पाथाखेड़ा, बैतूल 420 मेगावाट की इसकी क्षमता। सतपोड़ा चार, पाथाखेड़ा, बैतूल 420 मेगावाट है इसकी क्षमता। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र 151 मेगावाट है इसकी क्षमता। पेंच ताप विद्युत केंद्र 210 मेगावाट है इसकी क्षमता। चांदनी ताप विद्युत केंद्र 17 मेगावाट है इसकी क्षमता। आगे बात करते हैं जल विद्युत केंद्र के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं गांधी सागर, भानुपुरा मंदसौर में। इसकी स्थापना हुई 1960 में। इसकी क्षमता है 11.50 मेगावाट। मध्य प्रदेश, राजस्थान का अनुपात 50:50 है इसका। लाभान्वित होते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान। फिर है राणा प्रताप सागर, रावट बाटा, चित्तौड़गढ़ में। तो इसकी स्थापना हुई 1960 में और 172 मेगावाट इससे क्षमता है इसकी। मध्य प्रदेश, राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। फिर है जवाहर सागर, चित्तौड़गढ़ में, 1960 में इसकी स्थापना हुई, 99 मेगावाट। मध्य प्रदेश, राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। अवंतीबाई प्रोजेक्ट, बगरी, जबलपुर में, 1960 में इसकी स्थापना हुई, 90 मेगावाट इसकी क्षमता है। राजघाट परियोजना ललितपुर उत्तर प्रदेश में, 1960 में इसकी स्थापना हुई, 22.50 मेगावाट इसकी क्षमता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, राजघाट हो गया। रिहंद जलाशय परियोजना पिपरी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, 1960 में स्थापना हुई इसकी। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। फिर है पेंच जल विद्युत परियोजना, विद्युत सिवनी, सिवनी में, 1960 में इसकी स्थापना हुई, 160 मेगावाट क्षमता है इसकी। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। महेश्वर जल विद्युत प्रोजेक्ट महेश्वर धार में, 1994 में इसकी स्थापना हुई, 400 मेगावाट इसकी क्षमता है। सरदार सरोवर की उप परियोजना है। ओकारेश्वर जल विद्युत प्रोजेक्ट ओकारेश्वर खंडरामा में, 2007 से उत्पादन है इसमें, 520 मेगावाट इसकी क्षमता। फिर है इंदिरा सागर प्रोजेक्ट पुनासा खंडवा में, 1000 मेगावाट इसकी क्षमता। वाण सागर सीधी मध्य प्रदेश में, 1994-95 में स्थापित हुई थी, 110 मेगावाट इसकी क्षमता है और 405 विस्थापित है।
मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। टोंस प्रोजेक्ट रीवा में, इससे 315 मेगावाट क्षमता है इसकी। मलखेड़ा, ये 2008 में स्थापित हुई थी, 40 मेगावाट क्षमता है इसकी। चंदेल प्रोजेक्ट खंडवा में, इसकी 15 मेगावाट है इसकी क्षमता। ठीक है, तो ये थी हमारी मध्य प्रदेश के ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग मध्य प्रदेश के परिवहन से संबंधित चर्चा करेंगे। ठीक है।